हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुर्ती का नेक कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ये देखिए, हमारी कुर्ती का फ्रंट नेक है ये, और ये हमारे पट्टी भी पेस्ट कर रखी है कैनवास की, और उसको वो 1 इंच की पट्टी कपड़े पे हमने पेस्ट कर ली है, और आधा इंच साइड से छोड़ दिया, उसको हमने फोल्ड कर लिया है। और ये हमने वो पेन से इसमें मार्किंग कर ली कि हमको सिलाई कहाँ लगानी है। अगर आप नए हैं, बिगिनर है, तो आप ऐसे रख के इसमें बीडेड पिन भी लगा सकते हैं, ऐसे गले में रख के, नहीं तो ऐसी सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं तो ऐसी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस टाइप से हम सिलाई पूरी नेक में लगा लेंगे हम। ये हमने लगा ली, अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे कैंची से। ये हमने छोटे छोटे कट लगा लिए, अब इसको हम टर्न करके ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे, जिसको टॉप स्टिच कहते हैं। जो ऊपर ऐसे टर्न करके लगाते हैं वो टॉप स्टिच रहती है। अब इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। हमने टॉप स्टिच लगा ली, अब इसको हम टर्न करके एक और स्टिच लगा लेंगे एकदम किनार पे। ये हमारा फ्रंट नेक है, ऐसे ही हम बैक वाला भी बना लेंगे। हम किनार पे ये लगा लेंगे मशीन। उसके बाद अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई कर सकते हैं नेक में, नहीं तो एक और सिलाई लगा सकते हैं। मैंने तो एक सिलाई लगाई है। वैसे कि पीछे के इसमें हम किनारी पे सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें शोल्डर जॉइंट करना है। ये देखिए, हमने फ्रंट में लगा लिया है, डबल सिलाई हमने लगा ली है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। हमने बैक पार्ट को सीधा रखा है, किनारी पे सिलाई नहीं लगाई है, और हमारा फ्रंट वाला है इसको हमने उल्टा रखा है, मतलब दोनों उल्टे अंदर की तरफ है। और ऐसे देख, जैसे वीडियो में दिख रहा है, ऐसे हम इस पर शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे पहले ऐसे, फिर हम पट्टी को फोल्ड करके ऐसे लॉक कर देंगे। इस टाइप से हम दोनों शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए, ये हमने लगा लिया, ये टर्न कर लिया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी टर्न हो गई। अब हम पीछे के इसमें भी किनारी पे और एक पास में दो सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा नेक और शोल्डर तैयार हो गए बनके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।